बस एक तरफ योगी है तो दूसरी तरफ आजम खान भी कुछ कम नहीं है। योगी की तरह आजम के चुनाव प्रचार पर भी 72 घंटे का बैन लगा था, लेकिन जैसे ही बैन हटा आजम खान दोबारा अपने ध्रुवीकरण के एजेंडे पर लौटा है। मुसलमानों को भड़काते हुए रैली में कह दिया कि अब मीनारों की हिफाजत करो क्योंकि दुश्मन एक हो गया है। अपने की मत करो, बिरादरियों में अपने आप को तकसीम मत करो, और कांग्रेस पार्टी जो आपके वोट को बांट रही है, यहाँ आप अच्छी तरह जानते हो कांग्रेस नहीं जीत रही है, और जब नहीं जीत रही है तो फिर चांदी पर बर्फ लगाकर दू मत खाओ, अगर गंदगी खाना है तो सीधे खाओ। ये बात हर गद्दार से कह दो, ये बात हर गद्दार से कह दो, हर गद्दार से कह दो, उसे गंदगी खाना है तो सीधे खाए, चांदी का व्रत लगाकर गंदगी मत बटो, वोट कटरवा मत बनो।